हमारे YouTube चैनल धरती पुत्र पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेघ सिंह भारती और इस चैनल पर मैं वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पशुपालन से जुड़े वीडियो जो शेयर करता हूं। और इसी कड़ी में आज बात हो रही है पशुपालन की। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि कैसे आप पशुओं के लिए सस्ता आवास बना सकते हैं, पशुओं के रहने का पूरी जगह बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम खर्च में। तो दोस्तों, जब मैंने वो पशुओं के लिए वो शेड बनाया था तो उसके बाद यहाँ पर आई थी भयानक आंधी और उस आंधी में शेड का जो छत जो मैंने बनाई थी उसका कुछ हिस्सा बिखर गया था। तो उसके बाद मैंने उस हिस्से को थोड़ा हटा दिया था और जो छत थी उसको थोड़ा कम कर दिया था। हालांकि वो ठीक हो चुकी है, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि उसके नीचे जो सारे पशु है वो पूरे आ नहीं रहे हैं। वो जब पशु अंदर बैठते हैं तो आपस में लड़ने लगते हैं और काफ़ी दिक्कत आ रही है, उनको चोट लगने की संभावना है। ऐसे में अब ज़रूरी है कि एक नई छत अलग से इनके लिए बनाई जाए ताकि सारे पशु आराम से बैठ सके। तो उसके लिए हमने कर ली है तैयारी पूरी। यहाँ पर लकड़ियों का हमने इंतजाम कर दिया है, बबुल की लकड़ियाँ हैं, ये ज़्यादा चलती नहीं है, फिर भी अभी जुगाड़ में काम चल जाएगा। इसके अलावा जो खींप छत पर देने के लिए जो पिछली बार हम लेकर आए थे वही खींप, वैसे ही खींप हम फिर से लेकर आए हैं। तो कुल मिलाकर पूरा इंतजाम कर चुके हैं। तो हमारे साले साहब है भवानी सिंह जी, वो भी हमारे थोड़ी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर वो गड्ढे खोद रहे हैं और जितना हो सकता है मैं भी खुद भी साथ में उनकी हेल्प कर रहा हूँ। तो अब सबसे पहले यहाँ पर खड्डे खोदे जाएंगे और ये सारे खड्डे खोदने के बाद अब बारी आती है कि यहाँ पर हम जो लकड़ियाँ हैं, जो खूंटे हैं उनको गाड़ दे और पूरी जो स्ट्रक्चर है वो इसका खड़ा करे। तो यहाँ पर ये अब खूंटे गाड़े जा रहे हैं। खूंटे गाड़ने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपर की छत के लिए जो लकड़ियाँ हैं वो सेट करना। तो अब ऊपर की जो छत है उसकी सारी लकड़ियों को बांध कर हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो लकड़ियों का सारा जो जुगाड़ है वो बैठाया जा रहा है। ये लकड़ियाँ देने के बाद हम इस पर डालेंगे खींप। तो दोस्तों, अब छत पर चढ़ाए जा रहे हैं खींप। जो ये जो खींप है ये क्या होता है कि इनके बीच से हवा का आदान प्रदान तो होता रहता है, लेकिन खास बात ये है कि ये सर्दियों में जो आपकी झोपड़ी है, जो आपका शेड है, इसको रखते हैं गर्म। तो अब खींप चढ़ाकर इसके बाद इसकी छत पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके लिए मैं और भवानी सिंह जी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको निपटा लें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो दोस्तों, ये हमारी जो पशुओं का जो सेट है इसकी दूसरी छत है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है और इसके नीचे काफ़ी पत्थर इस हिस्से में थे, दूसरे हिस्से में हमने धूल बिछा दी थी। तो यहाँ पर भी हम बिछा रहे हैं धूल, बिछाकर इसको थोड़ा ठीक किया है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आराम से पशु जो है वो बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से पशुओं के लिए हमने थोड़ी सुविधा कर दी है और जो भी अपडेट यहाँ पर जो हम करते हैं वो सारा आपके साथ हम इस चैनल के माध्यम से साझा करते हैं। हमारा मकसद यही है कि आपको भी थोड़ा प्रेरणा मिले कि हम बिना खर्चे के, कम खर्चे के काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो इस वीडियो को विराम देंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अलग बातों के साथ। धन्यवाद।